गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज मैं आपको अपनी किचन से ही हाय कर रही हूँ। और आज मैं है वट सावित्री की पूजा, मतलब आज है 6th of June। सो मैं पूजा की तैयारी करने के लिए किचन में आ गई हूँ। और सबसे पहले बनाएंगे हम पूड़ियाँ। सो उसके लिए मैं आटा मारूंगी। एक दिन पहले ही मैंने अपने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, तो क्योंकि मुझे पता था कि मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। पूड़ियों के अलावा बहुत लोग क्या पुआ भी चढ़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं, बट मेरे यहाँ पूड़ियाँ चढ़ती हैं और चना है, फल है, ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं। तो पूड़ियाँ निकाल लेते हैं। एंड क्या आपको पता है कि वट सावित्री की पूजा क्यों की जाती है? वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, बट तभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। पति की लंबी आयु के लिए और अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए हम लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं। और इस दिन ना जो बरगद का पेड़ होता है उसकी पूजा करी जाती है। सो आपके यहाँ ये पूजा किस तरीके से मनाई जाती है, अपने नीचे कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा, मुझे जान के बहुत ही खुशी होगी। क्योंकि बहुत जगह पे ना अलग अलग तरीके से इस पूजा को मनाया जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करिए, एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सो पूड़ियाँ निकालने के बाद अब थाली लगाएंगे जो भगवान को चढ़ेगा सारा सामान। तो चना है, पूड़ियाँ थी, दो लोई थी आटे की, जिसमें कि एक का दीपक बनता है और एक की चिड़ैया बनती है। फल में खरबूजा, अंबिया और 3 खीरा थे, मतलब 7 फल आपको चढ़ाने होते हैं। इसके अलावा कलावा था, पीला धागा और दीपक जल। तो यही सारी चीज़ें पूजा में चढ़ती हैं, भगवान को भोग लगता है। बहुत लोग क्या पुआ भी चढ़ता है और भी बहुत सारी सामग्री चढ़ती है। और हाँ, इसमें हम लोग का सुहाग का सामान भी चढ़ता है। तो मैं शावर ले लिया है, पूजा की पूरी तैयारी कर ली है, पूड़ी बनानी थी वो बना लिया है, प्लेट सजा दी पूजा की पूरी, बस मैं रेडी होंगी। और आपने ऐसे देखा कि मैंने अपना स्किन केयर किया, मॉर्निंग स्किन केयर काफ़ी लेट हो गया, तो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद पूजा के समय मैं आपसे मिलती हूँ। और क्या वेयर करने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ और रेडी होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो मैं वेयर कर रही हूँ साड़ी और ये बैंगल्स हैं, ज्वेलरी है, ब्लाउज़ है। तो मैंने सब कुछ ना एक रात पहले ही निकाल के रख लिया था और रेडी होके मैं डायरेक्ट पूजा पे बैठ गई, तो काफ़ी लेट हो रहा था। एंड मैं ये ना पूजा हमेशा बालकनी में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आसपास कहाँ पे बरगद का पेड़ है, तो मैं सके से पेड़ मंगवा के गमले में लगा के आराम से मैं पूजा कर लेती हूँ यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे दिक्कत भी नहीं होती। और जिस दिन मतलब फास्ट था उस दिन बिल्कुल भी धूप नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा भी चल रही थी, तो बहुत गर्म भी नहीं लग रहा था। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ, देन मैं आपसे मिलती हूँ और आप एंजॉय करिए इस पूजा को। सो ये है मेरा फाइनल लुक। सो फाइनली मेरी पूजा हो गई है और अच्छा हुआ कि आज ज़्यादा धूप नहीं थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, थोड़ा उमस थी, भरा थोड़ा बहुत पसीना था, बट उमस तो थी, बट जो धूप तड़ाके वाली होती है वो नहीं थी पूजा करते समय, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया था। तो बस अब चेंज करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ सामने का मेरा रूम, इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इतना पूरा घर फैला हुआ है, पूरा उसको समेटना है, काफ़ी समय लग जाएगा। ड्रेसिंग टेबल सब इधर उधर फैसे से फैला हुआ है।
सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज. नीचे अपने कमेंट जरूर ड्रॉप करेगा, ये भी बताइएगा इस साल किसने किसने वेड वट सावित्री की पूजा की है और कौन कौन न्यूली वेड है जिन्होंने पहली बार वट सावित्री की पूजा करी है, तो अपने कमेंट्स नीचे जरूर मेंशन करेगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज, तब तक अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, ठीक है, बाय.